हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले इस वीडियो में कॉरपोरेट अकाउंटिंग से रिलेटेड एमसीक्यू, जिसको हिंदी में कहते हैं निगमीय लेखांकन। सो फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इंट्रा कंपनी ट्रांजेक्शंस एंड बैलेंसेज आर शोन इन द कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ द होल्डिंग कंपनी। अंतः कंपनी व्यवहारों और शेषों को सूत्रधारी कंपनी के एकीकृत चिट्ठे में दिखाया जाता है। स्थायी संपत्ति खाता, लाभ हानि खाता, ऋण पत्र खाता कहीं भी नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको सही आंसर बताना चाहेंगे ऑप्शन डी, कहीं भी नहीं। ठीक है, इसका ट्रांजैक्शन कहीं भी नहीं दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर टू देख लेते हैं। द मेन फीचर ऑफ द होल्डिंग कंपनी इज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूत्रधारी कंपनी की प्रमुख विशेषता है बड़े पैमाने के उत्पादन के लाभ, पृथक अस्तित्व के लाभ, आपसी प्रतिस्पर्धा की समाप्ति, इनमें से सभी। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। द मेन फीचर ऑफ द होल्डिंग कंपनी, यहां आपको बताना है सूत्रधारी कंपनी की प्रमुख विशेषता। सो फ्रेंड्स, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, बड़े पैमाने के उत्पादन के लाभ, पृथक अस्तित्व के लाभ, आपसी प्रतिस्पर्धा की समाप्ति। क्वेश्चन नंबर थ्री, कंपनी के पुनर्निर्माण का आशय है, व्हाट इज द मीन्ट बाय द रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी। कंपनी के बाहरी परिवर्तन से, कंपनी के आंतरिक एवं बाहरी परिवर्तन से, कंपनी के आंतरिक परिवर्तन से, कंपनी के पुनः निर्माण से। तो फ्रेंड्स, यहां पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपको पता होना चाहिए, कंपनी के आंतरिक एवं बाहरी परिवर्तन से। कंपनी के पुनर्निर्माण का आशय है कंपनी के आंतरिक एवं बाहरी परिवर्तन से। क्वेश्चन नंबर फोर, वॉलेंटरीली वाइंडिंग अप द ऑफ कंपनी, कंपनी का स्वेच्छा से समापन का संबंध होता है संचालकों की स्वेच्छा से समापन, सदस्यों की स्वेच्छा से समापन, सदस्यों एवं लेनदार की स्वेच्छा से समापन, लेनदार की स्वेच्छा से समापन। कंपनी का स्वेच्छा से समापन का संबंध होता है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे, हम अपने सभी वीडियोस में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस बताते हैं। अगर आप किसी भी मीडियम से हैं, चाहे इंग्लिश या हिंदी, तो आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, सदस्यों एवं लेनदार की स्वेच्छा से समापन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। इफ डिविडेंड ऑन प्रिफरेंस शेयर हैज बीन डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड, देन डिविडेंड इज पेड ऑन लिक्विडेशन। यदि पूर्वाधिकार अंश पर लाभांश घोषित किया जा चुका है किंतु भुगतान नहीं किया गया, तो समापन पर लाभांश का भुगतान किया जाता है। पूर्वाधिकार लेनदार के रूप में, ऋण के रूप में, लाभांश की बकाया राशि के रूप में, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हिंदी में। यदि पूर्वाधिकार अंश पर लाभांश घोषित किया जा चुका है किंतु भुगतान नहीं किया गया, तो समापन पर लाभांश का भुगतान किया जाता है। तो यहां पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋण के रूप में। ठीक है, ऋण के रूप में। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द फर्स्ट पेमेंट इज मेड ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कंपनी के समापन पर सबसे पहले भुगतान होता है कानूनी व्यय पर, समापन के व्यय पर, निस्तारण के पारिश्रमिक का, पूर्वाधिकार लेनदार का। कंपनी के समापन पर सबसे पहले किसका भुगतान होता है? ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सभी क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से भी संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कानूनी व्यय का। ठीक है, आप लोग को जो भी आंसर पता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, जनरली ऑन विच कैपिटल डिविडेंड इज पेड, सामान्यतया लाभांश का भुगतान किस पूंजी पर किया जाता है?
संचित पूंजी पर, चुकता पूंजी पर, निर्गमित पूंजी पर, अधिकृत पूंजी पर। सामान्यतया लाभांश का भुगतान किस पूंजी पर किया जाता है? तो यहां पर आपको सही आंसर बता देते हैं, ऑप्शन बी चुकता पूंजी पर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अनरिलीज्ड डिविडेंड इज, अयाचित लाभांश है, कंपनी का दायित्व, कंपनी की पूंजी, कंपनी की संपत्ति, नन ऑफ द अबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पीडीएफ में पढ़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी लोग इसका आंसर बताएंगे, अयाचित लाभांश है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंपनी का दायित्व। अगला क्वेश्चन 9। इफ द प्रपोज्ड डिविडेंड इज 16% ऑन द पेड अप कैपिटल, देन द परसेंटेज ऑफ इंटरनल प्रॉफिट इन नंबर्स विल बी। यदि प्रस्तावित लाभांश चुकता पूंजी पर 16% है तो संख्या में आंतरिक लाभ का प्रतिशत होगा 7.5%, 8.9%, 5%, 2.3%। यदि प्रस्तावित लाभांश चुकता पूंजी पर 16% है तो संख्या में आंतरिक लाभ का प्रतिशत होगा 7.5%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। आफ्टर हाउ मच टाइम द बोनस शेयर कैन बी इशूड आफ्टर द पब्लिक इशू। सार्वजनिक निर्गमन के कितने समय बाद बोनस अंश निर्गमित किए जा सकते हैं? 1 ईयर, 6 मंथ, 5 मंथ, 2 ईयर्स। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हम आपके लिए आज इस वीडियो में काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिससे आप लोग की अच्छी सी तैयारी हो जाए। सार्वजनिक निर्गमन के कितने समय बाद बोनस अंश निर्गमित किए जा सकते हैं? तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कम से कम 2 साल बाद। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू, हितों का एकीकरण विधि संबंधित है, पुनर्निर्माण से, एकीकरण से, संविलियन से, आंतरिक पुनर्निर्माण से। हितों का एकीकरण संबंधित है, ऑप्शन बी एकीकरण से। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, एकीकरण और यहां भी एकीकरण है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 12। इन द मेथड ऑफ एग्रीगेशन ऑफ शेयर्स द डिफरेंस इन द शेयर कैपिटल ऑफ द ट्रांसफर्ड कंपनी विल बी एडजस्टेड। अंशों के एकत्रीकरण विधि में हस्तांतरित कंपनी की अंश पूंजी में अंतर का समायोजन होगा, संचयों से, संपत्तियों से, लाभों से, नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए उसी टॉपिक पर लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां पर आंसर क्या होगा सही क्वेश्चन नंबर 12 का? ऑप्शन ए संचयों से। ठीक है, रिजर्व। अगला क्वेश्चन 13। होल्डिंग कंपनी मींस सूत्रधारी कंपनी का आशय है जो अन्य कंपनी के कम से कम 51% अंशों की धारक हो, जो अन्य कंपनी के कम से कम 90% अंशों की धारक हो, अन्य कंपनी इसके संचालक मंडल पर नियंत्रण रखते हो, इनमें से कोई नहीं। सूत्रधारी कंपनी का आशय है। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा आंसर है, यहां पर आपको पता होगा ऑप्शन ए जो अन्य कंपनी के कम से कम 51% अंशों की धारक हो। ठीक है, सूत्रधारी कंपनी का आशय आपको पता चल गया होगा, जो अन्य कंपनी के कम से कम 51% अंशों की धारक हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जैसे कि आप हम आपको बता चुके हैं।
अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, डिमांडेड वीडियो बना देंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप पहली बार विजिट किए चैनल को तो चैनल के सभी टॉपिक्स को देख लीजिए, अगर आपके लिए यूज़फुल लगे, उपयोगी लगे आपके लिए चैनल, आपको लगे कि यहाँ से 1% भी आपको प्रॉफिट होने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपकी फ्री में क्विज होती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।